हिमाचल प्रदेश में सेब सीजन आगामी 10 से 15 दिनों में शुरू होने वाला है। इस बार प्रदेश सरकार मंडियों में किलो के भाव से सेब बिक्री करवाने जा रही है। ऐसे में शिमला की सेब मंडी भट्टाकुफर में सीजन को लेकर अभी भी अव्यवस्था का आलम नजर आ रहा है। वर्ष 2019 में लैंडस्लाइड की वजह से क्षतिग्रस्त हुई इस मंडी में हालात अब बदतर होते जा रहे हैं। यहां मंडी की छत पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है और यहां काम करने वाले लोगों के लिए लगातार खतरा बनी हुई है। वहीं किलो के हिसाब से सेब की बिक्री के लिए यहां अभी तक वजन करने की कोई भी सुविधा स्थापित नहीं की गई है। वहीं वजन के लिए सेब को ट्रकों से अनलोड करने के लिए भी उचित स्थान नजर नहीं आ रहा है। आढ़तियों का कहना है कि फल मंडी के हालत बेहद खराब हैं और यहां काम करना बेहद मुश्किल है। वहीं इस बार सरकार ने किलो के भाव से सेब की खरीद फरोख्त के निर्देश दिए हैं, जिसके चलते फल मंडी पर और अधिक भार पड़ने वाला है। मेरा नाम कुलदीप ठाकुर है और मैं पिछले 12 से 13 साल से काम कर रहा हूँ यहाँ पे। मैम, आज से पहले थोड़ा काम डिफरेंट था, अब काम थोड़ा डिफरेंट होगा क्योंकि ये अब सेब जो है वजन के हिसाब से निर्धारित हुआ है, तो वजन के हिसाब से बिकेगा। यहाँ पे जो मेन इशू आएगा सबसे पहला वो होगा कि हर पेटी का वजन होगा और वजन के हिसाब से बिकेगा, तो उसी हिसाब से यहाँ अकोमोडेशन की बहुत दिक्कत है। एक सबसे बड़ा चैलेंज आड़ती किसी के पास भी यही होगा, सबसे बड़ा इशू जो रहेगा। थोड़ा इतना तो हमें भी नहीं पता अभी कि किस तरह का प्रोसीजर होगा, पर जो सुनने में आ रहा है कि कंडा मशीन जो होगी वो हर फड़ पे होगी और हर पेटी का वजन होगा, तो ग्रोवर तो उसी तरह से पैकिंग लाएगा, उसको अनुमान ये रखना होगा कि 24 किलो की पेटी हो, 24 से ज़्यादा ना हो, तो वो 24 किलो के हिसाब से ही वो पेटी बिकेगी। वही एक सबसे बड़ा इशू रहेगा क्योंकि पहले जो एक सैंपल निकलता था, एक ट्रक में 400 पेटी है तो उससे 5 पेटी निकलती थी, अब क्या होगा पूरा जब तक वजन नहीं होगा वो तब तक नहीं बिकेगा, क्योंकि सेब जो है पर किलो के हिसाब से यहाँ पे बिकेगा, वो एक बड़ा इशू रहेगा। इसमें सभी को तैयारी करने पड़ेगी, प्रशासन को भी करने पड़ेगी, आड़ती को भी करने पड़ेगी और जिमीदार को भी करने पड़ेगी, बहुत बड़ा चैलेंज होगा ये। अभी तक तो मुझे लगता है मैम ये मुश्किल होगा, टफ होगा, क्योंकि आप देख रहे हो सामने काम चला हुआ है। थोड़ा सा आप अगर दिखाना चाहते हो तो ये पिछले 2019 में स्लाइड आया था, आज तक सरकार इसके बारे में नहीं सोच पाई है क्योंकि सबसे बड़ा कारोबार ढली में होता था और पिछले 3-4 सालों से ये कम होता जा रहा है ये चीज़। इधर तो अनलोडिंग करना टफ होगा क्योंकि गोडाउन लेने पड़ेंगे बाहर, तब जाके अनलोडिंग होगी, नहीं तो फिर टफ हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का कहना है कि यहाँ पे काम करना टफ होता जा रहा है। दिक्कत तो है ही, अकोमोडेशन या जगह की जब फैसिलिटी आड़ती को नहीं मिलेगी तो वो काम कहाँ करेगा, रोड पे करेगा काम, उसके लिए भी प्रशासन को सोचना चाहिए। मेरा नाम कुलबीर लेटका है, KLFC के और 3 नंबर से मेरा यहाँ पर शॉप है। मेरे को 3वीं साल है मैम, इस साल इंस्ट्रक्शन यही है मैम कि किलो के हिसाब से सेब बिकेगा और बाकी तो मैम तैयारी है ये, अभी तो देखो 15 से 20 दिन रहा है सेब आने के लिए और उसके बाद देखो पहली बार ये ट्रायल हो रहा है, जब तक हुआ नहीं उतना तो अभी बोल नहीं सकते, पर ये है कि लग जाएगा, मतलब 15-20 दिन में जब आएगा तो उसके बाद हमारे को पूरा पता लग जाएगा कि किसके लिए सही। तो बाकी तो दिक्कत तो है थोड़ी बहुत, बाकी तो गवर्नमेंट देखो अभी से काम शुरू करने लग गई है क्योंकि गवर्नमेंट को पता कि हमारी भी जो दिक्कत होगी वो गवर्नमेंट करेगी सॉल्व इस चीज़ के लिए, तो अभी तैयारी भी शुरू हो गई है। बल्कि अभी 2-3 दिन पहले जो थोड़ी यहाँ दिक्कत थी, अभी मशीनरी भी लग गई थी यहाँ पर काम के लिए। वेट के लिए देखो हमारे को हमारे से पहले ही बोला गया कि आप वेट तोलने की मशीन लाए और वो हमने रख भी दी है, तो उसी इसी के हिसाब से फिर होगा। देखो जहाँ तक मैं अपनी सोच रख रहा हूँ, देखो मेरे ग्रोवर बिल्कुल ट्रस्ट है, मतलब विश्वास है मेरे को अपने ग्रोवर पे, तो मैं तो यही करूँगा कि देखो उनने भी हर बॉक्स में लिखा होगा वेट, तो इसके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1-2-3 बॉक्स ही लाऊँगा और उस हिसाब से फिर वेट का हिसाब करूँगा। अब पूरी गाड़ी कब को करना है बोलो आप, पूरी गाड़ी का वेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर, ऐसे कि जितना विश्वास तो रखना पड़ेगा सब पे, तो ग्रोवर जैसे कहेगा कि उसके बॉक्स में लिखा होगा जितना भी, हम 1-2 बॉक्स चेक करेंगे और उस हिसाब से उसका रेट फिक्स कर देंगे। क्वालिटी सही है, मतलब 1 नंबर है जिसमें, तो उसको उस वो रेट मिलेगा, जो उससे थोड़ा नीचे डाउन है तो उस हिसाब से। मेरा नाम गिरीश चौहान है और मैं 2008 से काम कर रहा हूँ। इसके लिए हम तो पूरी तरह से तैयार हैं, हमारे पास वेइंग मशीन्स भी है और इसमें अभी सरकार ने अभी नहीं दिया है, जो उन्होंने कहा था कि डिस्प्यूट की उसमें सिचुएशन में उस वेइंग मशीन पे वेट किया जाएगा, पर यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, स्पेस नहीं है, तो इसलिए थोड़ा इसमें जगह की कमी रहेगी। अभी पहले आधे आधे फड़े यहाँ पे लौट हुए हैं, वेइंग मशीन पर जगह थोड़ी और कम हो जाएगी तो थोड़ी रश में प्रॉब्लम आ सकती है।
जब आप इसमें वजन करने में वेट करने में थोड़ा वक्त लग जाएगा तो इसमें ट्रैफिक जाम वगैरह लग सकता है, थोड़ी गाड़ियाँ बाहर रुक सकती है, क्योंकि इसमें एकदम से आप माल नहीं बेच पाओगे। इसमें थोड़ा आप जैसे एवरेज के लिए आपको 10-15 पेटी हर गाड़ी से तोलनी पड़ेगी, तब आपका एवरेज वेट निकलेगा, तो इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। इस साल आशंका यही है कि बाद में कुछ पेटी में हो सकता है ग्रोवर का ज़्यादा वजन आए या कम वजन आए, तो उसमें हो सकता है बाद में डिस्प्यूट निकले, हो सकता है ग्रोअर ना माने इस बात को कि हमारा वजन कम था इसमें, और बाकी तो कह नहीं सकते, बाकी तो आगे ही लगेगा पता जब ये सिचुएशन आएगी। इस बारी केजी के हिसाब से लगेंगे, इस बारी आपका 25 रुपये, 50 रुपये या 100 रुपये जो भी किलो के हिसाब से बिकेगा, और ऑक्शन वजन के हिसाब से लगेगी, और उसका पेटी का वेट करके उसमें 2 किलो की काट दी जाएगी जो इसकी पेटी और ट्रे का वेट रहता है। गाड़ी में से 10-12 पेटी निकाल के तोलेंगे और उसकी एवरेज निकालेंगे जो उसकी उसका आएगा, और साइज वाइज और उसका वजन वाइज उसका ऑक्शन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।